इस वक्त आप देख रहे हैं स्टार अनुभव न्यूज, में हूँ शुभम तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन किया है। जी हाँ, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन समारोह के दौरान उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, आनंदमयी मठ की प्रमुख माँ अमृता अम्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मौके पर उपस्थित रहे। इस अस्पताल का निर्माण माता अमृतामयी मिशन ट्रस्ट की ओर से किया गया है। हालांकि इसे निजी क्षेत्र का ही माना जाएगा, लेकिन ट्रस्ट की प्रमुख आध्यात्मिक गुरु माँ अमृतामयी ने जिस तरह से सेवा भावना वाली छवि है, उसे देखते हुए इस अस्पताल का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंदों को बेहद रियायती दर पर देने की बात भी अस्पताल से जुड़े अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसका स्वरूप क्या होगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त यह एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल बताया जा रहा है। यह अस्पताल फरीदाबाद के सेक्टर 88 में निर्मित है। अस्पताल में 2600 बेड होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। पहले चरण में 550 बेड की सुविधाओं के साथ यह अस्पताल शुरू हो रहा है। इसमें सभी प्रमुख चिकित्सकीय सुविधाएं होंगी, जिसमें आर्कियोलॉजी, कार्डियक साइंस, न्यूरो साइंस, गैस्ट्रो साइंस, रीनल, ट्रामा ट्रांसप्लांट, मदर एंड चाइल्ड केयर सहित 81 तरह की विशेष चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल प्रबंधकों के दावे पर यकीन करें तो यह देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक अस्पताल होगा। इस अस्पताल के शुरू होने से दिल्ली NCR के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जिन्हें जरूरत पड़ने पर आधुनिक उपचार संबंधी सुविधाएं भी मिलेंगी।